नमस्कार, मैं अंजू विविध चैनल में आपका स्वागत करती हूं और आपके साथ शेयर करती हूं आज घुइया की सब्जी, जिसको कि अरवी भी कहा जाता है। और ये सब्जी बहुत से लोग खाना भी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन आज मैं आपको दम घुइया बनाकर दिखाती हूं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और जिनको शायद ना पसंद हो वो भी इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। और जिसके लिए हमको चाहिए घुइया, ये आधा किलो घुइया है जिसको मैंने उबाल करके छील कर रख लिया है। दो मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने महीन चॉप कर लिया है। कुछ कलियां लहसुन की हैं, ये 10-12 करीब, और एक कटोरी दही। अब हम इसको बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हमने तेल को रख दिया है गर्म होने के लिए, और जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक हम ये जो हमने घुइया उबाल के रखी हैं इसको इस तरह से दबा करके एक प्लेट में रख लेंगे। ये इस तरह से हम इसको, और ये सारी घुइया जो उबली हुई रखी हैं इनको हम इस तरह से दबा करके एक प्लेट में रख लेंगे। सभी घुइयों को हम इसी तरह से दबा लेंगे। ये घुइयां सब तैयार हो चुकी हैं, अब इसको हम कढ़ाई में तल लेते हैं। तब तक ये तेल भी गर्म हो गया था। इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही तलेंगे। जितनी घुइयां एक बार में आएंगी बस उतनी ही इसमें डालेंगे। डालने के बाद इसको हम एक आध दो सेकेंड ऐसे पड़ा रहने देंगे, और उसके बाद फिर हम इनको अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर की सेक लेंगे। इसी तरह से हम इसको अलटते पलटते हुए बढ़िया सा सेक लेंगे, और बिल्कुल इनको हमको बिल्कुल डार्क ब्राउन जैसे नहीं हो जाती है तब इस तरह से, अभी नहीं है, अभी थोड़ा और सेकी जाएंगी। ये हो गई है सिक करके तैयार। बस हमको इसी तरह से इनको सेकना है, बिल्कुल डार्क गोल्डन ब्राउन जैसे हो जाती है इस तरह से। ये देखें कितनी क्रिस्पी हो रही है ना, बस इसी तरह से इनको हमें सेक लेना है। ये सारी घुइयां हो गई हैं सिक करके एकदम से तैयार। अब इसी तेल में हम डालेंगे एक तेज़पत्ता, दो खड़ी लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि अजवाइन के बिना तो घुइयां में टेस्ट ही नहीं आएगा। ये डाल दिया अजवाइन, और ये जो हमने काट के रखी थी प्याज वो भी डाल देंगे। बहुत ही सिंपल है, खाने में उतनी ही टेस्टी बनती है, तो बहुत ही बढ़िया। बस इनको अब इस तरह से प्याज को बढ़िया से भून लेंगे। ये प्याज हमारी भून रही है, इसी में हम इस वक्त ही हमने लहसुन को जो है कूट के रख लिया था उसको डाल देंगे मोटा मोटा, और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। और जब तक प्याज भून रही है तब तक हम दही में मिलाएंगे थोड़े मसाले। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी करीबन आधा चम्मच, मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, पिसी धनिया 1.5 चम्मच, भुना जीरा और सौंफ का पाउडर 1/2 चम्मच, आधी चम्मच गरम मसाला, और इन सबको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने इसको अच्छे से इस मसाले को इसमें फेंट लिया है। ये घुइयां बहुत ही टेस्टी बनती हैं, आप मैं तो कहूँगी आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब ये प्याज हमारी भून चुकी है, इसमें हमने ये जो मसाले तैयार किए हैं इसको डाल देंगे। और दही को हमेशा बाहर निकाल के रखें, ठंडा दही कभी भी इस तरह से ना डालें, इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे जब हो जाए तभी प्रयोग करें। और डालने के बाद बस हम इसको जल्दी से चलाते जाएंगे इस तरह से। तब तक इसमें सब अच्छे से मसाले भून रहे हैं लगे। बस मीडियम फ्लेम पर हम इस मसाले को इसी तरह से भूनेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दें। और ये मसाला अब हमारा हो रहा है भूनने को तैयार। देखिए तेल छोड़ना इसने शुरू कर दिया है, और किसी भी सब्जी में सारा श्रेय मसालों को ही जाता है, क्योंकि जब हम उनको अच्छे से मिक्स करते हैं भूनते हैं तभी सब्जी में टेस्ट भी अच्छा आता है।
और ये देखिए कितने बढ़िया से बन रहे हैं। और इसमें इस सब्जी में सबसे बड़ी बात है कोई भी मेहनत नहीं लगती, कोई ज़्यादा वो नहीं, लेकिन टेस्टी इतनी बनती है कि बस। ये मसाला हो गया भुन करके बिल्कुल बढ़िया से तैयार। ये देखिए इसमें तेल छोड़ना छोड़ना क्या, तेल छोड़ दिया है और ये मसाला भी एकदम से तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने गुइयाँ सेक कर रखी हुई हैं, इनको इसमें मिक्स करेंगे और अच्छे से इस पर ऐसे दो तीन मिनट के लिए ऐसे चला लेंगे। और हम इसी बीच में इसमें डालेंगे नमक, नमक भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ एक चम्मच डाला है, आप जैसा पसंद करते हो। और ये मसाला इसमें अच्छे से मिल गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी एक कटोरी भर के, और इसको धीमी आंच पे हम ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पे रखेंगे और ढक देंगे। अब इनको ढके हुए दो तीन मिनट हो चुके थे, अब इसको एक बार हम लोग खोल के देखते हैं। बहुत बढ़िया लग रही है ना देखने में, बहुत अच्छी। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा किसको किसको गुइयाँ नहीं पसंद है, और जिनको नहीं पसंद है वो ये देख करके मन कर रहा है कि नहीं, और ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और बस इसको अब हम तेज़ आंच पर रखेंगे और फिर से एक मिनट के लिए ढक देंगे। ये बढ़िया से एक मिनट हो गया इसको ढके हुए, अब हम गैस को कर देंगे बंद। लेकिन अभी इस ढक्कन को हम थोड़ी देर अभी ढका रहने देंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। मैंने गैस कर दी है बंद, अब इसको थोड़ी देर के लिए से छोड़ दें और इसको हम फिर से खोलते हैं। गैस को मैंने बिल्कुल बंद कर रखा था, पहले ही आपको बताया था, और इसका ढक्कन खोलते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसमें हम डालेंगे हरी धनिया जो कि मैंने सुखा करके स्टोर कर रखी है, क्योंकि गर्मियों में धनिया की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इस तरह से इसमें हम डाल करके इसको मिक्स कर देंगे। लग रही है ना बहुत अच्छी, एकदम आ रहा है ना मुँह में पानी। और ये देखिए कितनी बढ़िया बनती है, ये बहुत ही टेस्टी। आप इसको ज़रूर बनाइए, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।